होलसेल प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स थी जिसमें आप लोगों को जॉब मिल सकती थी वो सब बंद हो रही है के बाद। दूसरी बात, सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर पहले क्या होता था, हेल्थ केयर, एम्स, हॉस्पिटल, पीएचसी, एजुकेशन सिस्टम, वो सब प्राइवेटाइज हो रहे हैं, उसमें भी जॉब नहीं मिल रही। एजुकेशन का ही मामला देख लीजिए, अगर पब्लिक सेक्टर में आपने एजुकेशन को प्रमोट करना शुरू कर दिया तो लाखों लोगों को जॉब मिल जाएगी। अगर आप हेल्थ को देख लो, अगर आपने पब्लिक हेल्थ केयर पे फोकस कर दिया, लाखों लोगों को हेल्थ केयर जॉब मिल जाएगी। 5 साल आपने बहुत अच्छा काम किया तो फिर आपको आपका प्रमोशन क्या होता है? कुछ भी नहीं, 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 नहीं वाले का वाला है। आप से काम करो आप, और आज अगर अगर आप 5 साल और काम करेंगे तो भी आपको उतना ही पैसा मिलेगा। क्या भी बढ़ रहा है सर, कमाई नहीं बढ़ रही। इंग्लिश जरूरी होती है, ज्यादा फायदा होता है, बट कनाडा यहाँ के लिए जरूरी है। तो तीनों की जरूरत है, कर्नाटक में तो काढ़ा बात ही गंदा पानी आता है, आगे आता भी नहीं है। और इतनी महंगाई है कि हम लोग कवारी चुनने चले जाते हैं, कहाँ से लाएंगे? जंगल जाते हैं, वहाँ से लकड़ बीन के लाते हैं, फिर चूल्हा जलाते हैं, कमाई इतना है नहीं। तनख्वाह जो फिक्स कर दिया ना 1,000, तो वही 1,000 आज 10 साल से दे रहे हैं। क्यों कहते हैं बाबू जी, भैया जी, बहन जी, भाभी जी, कुछ नहीं बढ़ाता इन सबके तनख्वाह, बट ये है कि वो करके किसी तरह घर आते हैं वही हल वाले आके। उसकी लिमिट नहीं होती, 14 हो गया, उससे ज्यादा नहीं जा सकते, 14 से ज्यादा नहीं चला सकते। लेकिन इसमें क्या जो स्लीप है, जैसे हमारे मतलब आप ट्रक में ही सोते हो, फैसिलिटी है। तो जैसे यहाँ से आप कैलिफोर्निया जाते हो कितना टाइम लगता है? 3,000 माइल अगर टीम में दो जाने जाते हैं तो फिर वैसी शिफ्ट है, एक तो एक सोता है, एक चलाता है। हाँ जी, 10 चलता। फिर दिन में कहाँ रुकता, कहाँ है? ट्रक स्टॉप वहाँ पे रुक जाओ, सो जाओ, फ्री पार्किंग होती है। क्या मुश्किल है, क्या कमी है, ये मैं समझना चाह रहा था। कमी तो 24 घंटे की ऊपर नौकरी है और इसमें खतरा कितना है। जैसे आप, मैं सही चल रहा हूँ, अब मुझे पीछे वाला सामने वाला वो नहीं पता वो कैसे मूड में आ रहा है। बिल्कुल रिस्क बहुत है मगर फायदा कम है, फायदा कम है। ग्रामीणों की तो कोई कहता ही नहीं सर, मतलब सोचते ही नहीं है ग्रामीणों को, किसी नहीं बोलता। No, I felt it's very difficult, horrible conditions, very difficult job, long hours, very little pay. It's uncomfortable. The company doesn't give insurance, there's no insurance. So if he has an accident, he's on his own. I am a student of IIT Kharagpur, boss will come and visit our campus. They don't let me come and visit the campus. I'm not allowed. They stop me. Anytime I go inside a campus, they don't allow me. You guys invite me, I'll come. तो मुर्शिदाबाद में क्या हो रहा है? मिष्टी दही कैसी है? अच्छा है, मुझे मिष्टी दही अच्छा लगता है, बेस्ट है। आप बंगाल में कब आएंगे? जब आप बुलाएंगे आएंगे। हम लोग तो आप बुलाओ, मैं आ जाऊँ। रेडी है आपके लिए, मैं आ जाऊँ। आ जाइए, जल्दी से आ जाइए। आ जाइए।